हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक और न्यू नेम स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं। दोस्तों, ये वाला जो नेम वाला स्टेटस भी अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। दोस्तों, आपको नेम वाला स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने नाम को लिखना है, जिस भी नाम से आप स्टेटस को बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम अपने नाम को लिख लेंगे। इस तरह से आपको अपने नाम को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको माई फॉन्ट में जाकर अर्बन जंगल वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ये फॉन्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और स्पेसिंग को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है इस तरह से। अब यहाँ से आपको स्टोक को ऑन करना है और आपको शैडो को भी ऑन करना है। अब दोस्तों, आपको बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। नीचे से आपको चौथे नंबर वाले ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। और जो भी कलर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं, तो रेड कलर हमें यहाँ पर रख लेंगे। अब दोस्तों, आपको नेम वाले टेक्स्ट पर टैप करना है और यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा रिलेटेड पोजिशन, इस पर आपको टैप करना है। और फर्स्ट में आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेकेंड में आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो जो आपका नेम है इस तरह से बीच में लग जाएगा। अब आपको इसमें एक क्रोन वाली पीएनजी को सिलेक्ट करना है। ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। फ्रॉम गैलरी पर जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको इस वाली पीएनजी को सिलेक्ट करना है। ये पीएनजी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से आपको सिलेक्ट करके अपने नेम के फर्स्ट लेटर में ऊपर साइड में लगा देना है इस तरह से। अब दोस्तों, आपको इस नेम वाले वॉलपेपर को गैलरी में सेव करना है। ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर जाना, यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पर टैप करना है। टैप करते ही हमारा जो वॉलपेपर है गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है नोइज वाले ऐप को। सर्च करते ही फर्स्ट में जो नोइज वीडियो एडिटर करके ऐप है वो आपके सामने आ जाएगा, तो इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, मैंने इस ऐप को पहले से ही डाउनलोड किया है। डाउनलोड होने के बाद नोइज वाले ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा जो ट्रेंडिंग में टेम्पलेट चल रहा है वो वाला टेम्पलेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको सर्च वाले ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है हेलीकॉप्टर। गाइस, ये जो हेलीकॉप्टर वाला जो टेम्पलेट है, अभी ये वाला टेम्पलेट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इस वाले टेम्पलेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट होने के बाद आपको स्टार्ट मेकिंग पर आपको टैप करना है। रिप्लेस फोटो, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको उसी वाले नेम वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जो हमने अभी पिक्सल लैब से बनाया था। इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद इसको आपको अच्छे से क्रॉप कर लेना है। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। तो जो हमारा नेम वाला वीडियो है इस तरह से बनकर आ जाएगा। अब गाइस, ये जो नॉइज वाला वाटरमार्क आ रहा है इसको आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको क्रॉस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने 30 सेकंड का ऐड आएगा, उस ऐड को आपको वॉच कर लेना है, तो आपके वीडियो में वाटरमार्क नहीं आएगा। तो ऐड को हम यहाँ से वॉच कर लेंगे। अब दोस्तों, आपको मेक वाले ऑप्शन पर टैप करके इस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से हम वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस, हमारा जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो गया है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट बैक जाना है। बैक आने के बाद गाइस, आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है। दोस्तों, अब हम वीडियो में साउंड को लगाएंगे, तो यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, उसी वीडियो को सिलेक्ट करना है जो हमने अभी सेव की थी। इस तरह से हम वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो होने के बाद इस वीडियो के साउंड को आपको म्यूट करना है। इस तरह से आपको म्यूट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ से आपको एड आईडी पर जाना है और यहाँ से आपको एस्ट्रिक वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से गाइस, आपको इस वाली साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। ये वाली जो साउंड वाली वीडियो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही इस वीडियो का जो साउंड है हमारे वीडियो लग जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस, हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस, आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर आपको टैप करना है।
टैप करते ही हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग नेम स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।